ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट किए थे और इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग देखे थे कि फोर्स क्या होता है ना। तो अभी के लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स और जो फोर्स का यूनिट है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फोर्स का यूनिट और टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फोर्स पे हम लोग चर्चा करते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स में जो है हम लोग बोल सकते हैं कि जो है इंटरैक्शन के बेसिस में है ना, इंटरैक्शन के बेसिस में जो है दो टाइप का फोर्स है, वो है एक बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा है नॉन बैलेंस्ड फोर्स। अगर हम लोग फोर्स को दूसरे तरीके से भी समझने का प्रयास करें और उसके दूसरे तरीके से अगर टाइप्स का हम लोग बात करें तो जो है फोर्स को हम लोग दो और कैटेगरी में मीन्स दूसरे संदर्भ में हम लोग दो कैटेगरी में फिर से डिवाइड कर सकते हैं। वो है एक कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा जो है वो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जब फोर्स का हम लोग बात करते हैं कोई बॉडी में और उसमें जो फोर्स लग रहा है उसके बेसिस में जब हम लोग बात करेंगे तो बैलेंस्ड फोर्स और नॉन बैलेंस्ड फोर्स होगा और जिसके कारण से फोर्स लग रहा है ना, मीन्स स्टेट क्या है, कॉन्टैक्ट है नॉन कॉन्टैक्ट है, किस तरह का दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो किस टाइप से लग रहा है, आइदर दे आर इन कॉन्टैक्ट और इन नॉन कॉन्टैक्ट, ऑन दैट बेसिस वी कैन डिवाइड दिस इन इनटू टू पार्ट्स, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकेंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग जो है कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को समझते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे बैलेंस्ड कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हम लोग वन बाय वन समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स, हालांकि इस चैप्टर में इसका कोई जिक्र नहीं है लेकिन हम लोग जानकारी के तौर पे इसको पढ़ रहे हैं है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स वैसा फोर्स होगा है ना जब किसी दो बॉडी के बीच में है ना, मान लेते हैं कि ये जो है बॉडी B1 है और ये B2 है, तो इन दोनों के बीच में जब कोई कॉन्टैक्ट होगा, कहने का मतलब है कि दोनों के बीच में जो है मिनिमम डिस्टेंस होगा, कहने का मतलब है कि जब दोनों आपस में कॉन्टैक्ट होगा उस समय जो फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स को हम लोग जो है कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे है ना। इस सिचुएशन में जब जो है दो बॉडी, व्हेन टू बॉडी आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर देन द फोर्स इज एक्टिंग ऑन देम इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। जब दो कोई बॉडी जो है आपस में कॉन्टैक्ट में है और उस समय जो उसमें फोर्स लग रहा होगा उसी को जो है हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं है ना, उसी को हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल जो है हम लोग लिख सकते हैं, सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट एग्जांपल कॉन्टैक्ट फोर्स का जो है वो फ्रिक्शन फोर्स है।
फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, कोई बॉडी में जो है जब कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, मीन्स जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसी को जो हम लोग फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं, दैट इज फ्रिक्शन। और ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स को भी जो है हम लोग बोल सकते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब कोई बॉडी को किसी सरफेस में हम लोग रखते हैं तो उस समय जो रिएक्शन फोर्स लगता है उसमें, मीन्स जो नीचे की ओर से उस बॉडी में जो लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। और इस तरह से जो है हम लोगों के पास कॉन्टैक्ट फोर्स का बहुत सारा एग्जाम्पल्स हो सकता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैसा फोर्स होता है, जब कोई बॉडी है ना, जब दो बॉडी जो है वो किसी डिस्टेंस से जो है वो सेपरेटेड हो, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स को जो है हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम से जानते हैं, है ना। मींस हम लोग वहां पर डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन टू बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट with each other, then the force acting on them is non-contact force। जब दो बॉडी जो है वो कॉन्टैक्ट में नहीं है लेकिन फिर भी उन दोनों बॉडी के बीच में फोर्स लग रहा हो उसी को जो है हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे, है ना। उसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल जो है हम लोग लिख सकते हैं, क्या सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जब कोई दो बॉडी कॉन्टैक्ट में हो और ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, मींस जो है दो बॉडी सेपरेटेड हो किसी डिस्टेंस से फिर भी उन दोनों के बीच में जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है। मैग्नेटिक फोर्स आप देखे होंगे कि जब जो है हम लोग आयरन नेल को किसी मैग्नेट के नज़दीक ले जाएंगे तो मैग्नेट के थोड़े दूर से ही वो फोर्स जो है उसमें लगने लगता है और हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। और इस तरह से जो है हम लोग इन दोनों फोर्स के बारे में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं बैलेंस्ड एंड द सेकेंड वन इज नॉन बैलेंस्ड फोर्स। और इसको जो है हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स के नाम से भी जानते हैं। है ना, नॉन बैलेंस्ड फोर्स को हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो अभी देखिए, सबसे पहले कि हम एक बॉक्स बना रहे हैं यहां पर, है ना, एक बॉक्स बना रहे हैं जो कि एक टेबल के सरफेस पे यहां पर रखा हुआ है। एक टेबल है उसके सरफेस में यह बॉक्स रखा हुआ है। इधर से जो है हम एक पुशिंग फोर्स इसमें लगा रहे हैं, इधर से जो है इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इसमें जो है फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, पुश हम कर रहे हैं इधर से तो इधर से फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और इसमें जो ऊपर से और की लग रहा होगा, मीन्स ऊपर से जो फोर्स इसमें लग रहा होगा वो फोर्स किसका होगा, ग्रेविटी का होगा, है ना, मीन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इसके ऊपर से लग रहा होगा। और इस टेबल के वजह से जो इसमें लग रहा होगा वो कैसा फोर्स होगा, वो एक रिएक्शन फोर्स होगा, वो एक रिएक्शन फोर्स होगा। अभी देखिए, ये एक बॉडी है जो कि एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है और इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें अगर हम लोग धक्का लगा रहे हैं, पुशिंग फोर्स लगा रहे हैं, तो इधर से जो है एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, इधर से एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और इधर से जो है इस बॉडी में एक
रिएक्शन फोर्स लग रहा है, मींस इस बॉडी में जो है एक समय में चार फोर्स लग रहा है, एक समय में चार फोर्स लग रहा है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पर कि जब एक बॉडी में लग रहा हर एक फोर्स एक दूसरे के बराबर हो, हर एक फोर्स एक दूसरे के बराबर हो, तो उस समय हम उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। और हम लोग दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि जब किसी एक बॉडी में लगने वाला हर एक फोर्स का रिजल्टेंट जो है वो जीरो हो, तो हम बोल सकते हैं कि वो एक बैलेंस्ड फोर्स है। हम बोल सकते हैं क्या कि वो एक बैलेंस्ड फोर्स है। हम लोग बैलेंस्ड फोर्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, then the force will be said as balanced force, है ना। means हम क्या कहना चाह रहे हैं कि if the resultant of all the forces acting on a body is zero, means इस body में लग रहा जो भी फोर्स लग रहा है इसमें उन सभी का जो है रिजल्टेंट अगर जीरो हो, तो हम बोल सकते हैं कि ये फोर्स जो है वो एक बैलेंस्ड फोर्स है। हम बोल सकते हैं कि ये फोर्स जो है वो एक बैलेंस्ड फोर्स है ना। अभी देखिए, इधर से एन न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन का, और इधर से जो है इधर से एन न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा और इधर से माइनस एन न्यूटन का, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। उसी तरह इधर से जो है ग्रेविटेशनल फोर्स एन न्यूटन का लग रहा होगा और इधर से माइनस एन न्यूटन का जो है फोर्स अगर लगेगा तो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, तो जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इट मींस द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज अ बैलेंस्ड फोर्स। नाउ वी हैव टू सी द अनबैलेंस्ड फोर्स। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं, इसी फिगर से समझ सकते हैं क्या, कि जब जो है रिजल्टेंट, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, देन द फोर्स विल बी सेड टू बी व्हाट, अनबैलेंस्ड और नॉन बैलेंस्ड फोर्स, है ना। तो यहां पर देखिए, ये ग्रेविटी का जो फोर्स लग रहा होगा और रिएक्शन जो फोर्स लग रहा होगा वो तो एक दूसरे के बराबर होगा ही, बात यहां पर फ्रिक्शन और पुश फोर्स का आ जाएगा। मींस जब फ्रिक्शन फोर्स से पुश फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तब इस बॉडी को जो है हम जब धक्का लगाएंगे तो ये मूव करने लगेगा। कहने का मेरा मतलब है कि एक बॉडी को हम लोग तभी मूव करवा सकते हैं, एक बॉडी को हम लोग तभी मूव करवा सकते हैं जब उसमें हम एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएं, है ना। अगर हम इस फ्रिक्शन फोर्स से पुशिंग फोर्स को ज्यादा नहीं लगाएंगे तो यह बॉडी मूव करेगा क्या, नहीं करेगा। अगर मान लीजिए इस बॉडी को, मूविंग बॉडी को जो है हमको रोकना है, तो हमको जो है फ्रिक्शन फोर्स मींस अपोजिंग जो फोर्स होगा वो इस फोर्स पुशिंग फोर्स से ज्यादा लगाना होगा, है ना। तो यहां पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तभी इस मूविंग ऑब्जेक्ट को रोका जा सकता है और या फिर इसको चलाया जा सकता है। कहने का मेरा मतलब है कि जो अगर एक बैलेंस्ड फोर्स किसी बॉडी में लग रहा है तो वो बॉडी जो है ना तो मूव करेगा और ना ही उसको जो है, अगर वो मूव कर रहा है तो हम उसको रेस्ट में ला सकते हैं। एक बैलेंस्ड फोर्स किसी मूविंग बॉडी को ना तो रोक सकता है और ना ही किसी रेस्ट वाले बॉडी को मूविंग में वो ला सकता है। तो हम लोग समझेंगे क्या कि एक अनबैलेंस्ड फोर्स और नॉन बैलेंस्ड फोर्स के कारण ही जो है हमारा किसी भी बॉडी का मोशन होता है या हो सकता है। तो हम लोग नॉन बैलेंस्ड फोर्स या फिर कहें तो अनबैलेंस्ड फोर्स को अब डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग लिख पाएंगे, इफ द रिजल्टेंट
इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो देन द फोर्स इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्स और इसी अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण किसी बॉडी को हम मूव करवा सकते हैं या फिर किसी मूविंग बॉडी को हम लोग रोक सकते हैं। तो अभी के लेक्चर में हम लोग क्या देखें, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में हम लोग देखें, है ना। एक हम लोग टाइप देखें कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरे संदर्भ में हम लोग क्या देखें, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। यहां पर हम लोग थोड़ा सा और जिक्र करेंगे कि फोर्स का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स वो क्या है, वो है न्यूटन। यहां से आप लोग थोड़ा सा समझ पाए होंगे, है ना, यहां से समझ पाए होंगे आप लोग न्यूटन। और इसको जो है हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, है ना। और फोर्स को जो है हम लोग जो है किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स और इसके ऊपर में एक एरो, इस तरह से हम लोग इसको जो है एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसआई यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज न्यूटन। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।